क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल है जहां भारत के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भारत न सिर्फ इस खेल में विजेता है, बल्कि हमने तो इस पूरे खेल को ही जीत लिया है। इस खेल में हमारी बादशाहत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव हिला दी है। इस खेल के प्रति हमारे जुनून ने इसे धर्म का रूप दे दिया और इसे खेलने वाले को भगवान का। इस खेल ने हम में राष्ट्रवाद और एक भारतीय होने का एहसास भी भरा है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब छक्का लगाकर भारत को विश्व कप दिलाया तो हमारे आपके और हम सब के आंखों में गम के आंसू थे, परंतु कुछ लोगों को इन बातों से भी विशेष पीड़ा होती है जो समय समय पर स्पष्ट झलकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं शाश्वत सिंह आज अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के क्रिकेट पत्रकारिता, लेखन और मीडिया संस्थानों में कट्टरपंथी तथा भारत विरोधी इस्लामी और ईसाई समूहों का नियंत्रण हो चुका है, जो क्रिकेट का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने में लगी हुई है और विजडन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये लोग क्रिकेट के माध्यम से ना सिर्फ भारत विरोधी प्रोपेगेंडा प्रसारित करते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु भारतीय क्रिकेट को कट्टरता से भी जोड़ देते हैं और लोगों का क्या है कुछ भी लिख पढ़ लेते हैं और अपने मन में कुछ भी गढ़ लेते हैं। हाल ही में जब T20 विश्व कप में पाकिस्तान से हारे तब पूरे देश का दर्द एक साथ छलक पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि यह खेल ना सिर्फ हमें एक साथ जोड़ता है, परंतु भारत के जीत के चिल्लाते और प्रार्थना करने वाले देशवासियों में भारतीयता का संचार भी करता है। हम सभी भारतवासियों को एक करने वाले इस एहसास के बारे में कुछ भारत विरोधियों को पता चल चुका है, अतः अब वो भारतीय क्रिकेट के बहाने यहाँ की सरकार, सनातन सभ्यता, संस्कृति और समाज को बदनाम करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। जैकोबिन अमेरिकी वामपंथ की एक प्रमुख पत्रिका है जो राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति पर समाजवादी दृष्टिकोण पेश करती है। यह पत्रिका त्रैमासिक रूप से जारी की जाती है और प्रति माह 3 लाख से अधिक वेब दर्शकों के अलावा 75,000 ग्राहकों तक पहुंचती है। 8 अप्रैल 2019 को इस पत्रिका में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था, क्रिकेट इन सर्विस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, अर्थात भारतीय क्रिकेट हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थक व सेवक है। माइकल महलवुड और नकुल एम पांडे द्वारा लिखित यह लेख पूर्ण रूप से भारत, भारत की सरकार और यहाँ के समाज के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होती है। माइक महलवुड एम्स्टर्डम में स्थित एक पत्रकार है जो खेल, संस्कृति, राजनीति में विशेषज्ञता रखते हैं। वह फोर्ब्स, वाइस और कई अन्य प्रकाशनों के लिए लिखते हैं, जबकि नकुल एम पांडे लंदन में स्थित एक क्रिकेट लेखक, प्रसारक और कमेंटेटर हैं। वह दुनिया के प्रमुख स्वतंत्र क्रिकेट प्रसारक गुरिल्ला क्रिकेट में सहायक संपादकीय निदेशक हैं। अपने नाम के आगे इतने बड़े बड़े ओहदे और उपलब्धियां लगाने वाले इन लोगों ने इसके विपरीत एकदम निकृष्ट का लेख छापा है। इनके लेख को देखकर ऐसा लगता है जैसे या तो इन्हें क्रिकेट और भारत का ज्ञान ही नहीं है या फिर ये भारत विरोधी किसी दुराग्रह से ग्रसित हैं। इस लेख में ट्रंप से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सेना, हिंदू, धोनी, कोहली, BCCI और सभी भारतीय खिलाड़ियों का हिंदुत्व से जोड़ दिया गया है, परंतु इसके पीछे कोई साक्ष्य और तर्क नहीं दिए गए। ऐसा लगता है मानो ये कोई लेख नहीं बल्कि एक खिसियाए हुए इंसान की अभिव्यक्ति है। NBC न्यूज अमेरिकी प्रसारण टेलीविजन नेटवर्क NBC का समाचार प्रभाग है। अमेरिका की इस बड़ी और प्रचलित न्यूज कंपनी द्वारा एक खबर छापी गई जिसका शीर्षक था, इंडिया हैज एन इरोडिंग इमेज ऑफ टॉलरेंस इन द वेस्ट, ए रिसेंट क्रिकेट लॉस प्रूव्स व्हाई, अर्थात पश्चिम में भारत की सहिष्णुता की छवि क्षीण होती जा रही है। हाल ही हुई एक क्रिकेट हार इसे साबित करती है। इस खबर के माध्यम से भारत के ना संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश की गई बल्कि उसके सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और आंतरिक मामलों में भी दखल देने की कोशिश की गई। शमी के पाक जनित ट्रोलिंग का ठीकरा भारत के सर फोड़ा गया और भारत की हार पर पाक के नारे लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को भारत की मुस्लिम असहिष्णुता से जोड़ा गया। इसी तरह 7 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस ने एक फ्रंट पेज पर लेख लिखा जिसका शीर्षक था, विजडन पॉप्स द क्वेरी सचिन। इसके टैगलाइन में जोड़ा गया था, 15 साल के दौरान एक मैच विनर की भूमिका निभाने वाले में विफलता। इस लेख के माध्यम से द इंडियन एक्सप्रेस विजडन पत्रिका के उस दुराग्रह को उजागर करना चाहती थी
जिसमें उन्होंने सचिन को एक नाकाम मैच विनर बताया गया था। कारण, सचिन भारतीयों के दुलारे और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं। इसी तरह की एक पत्रकार हैं सारा वारिस, जो बजफीड में सीनियर टैलेंट प्रोड्यूसर भी हैं। यानी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ये महोदया भी मोदी पूर्वाग्रह से इतनी ग्रस्त हैं कि मोदी पर हमला करने के लिए इन्होंने क्रिकेट को अपना ढाल बना लिया है। सर्वोच्च न्यायालय को ये मोदी के अंदर और बीसीसीआई को सरकार के कब्जे में बताती हैं और खिलाम अपने इस प्रोपेगेंडा का प्रसार भी करती हैं। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पश्चिमी देशों की अन्य मीडिया हाउस को इस्लामिक और ईसाई कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। वो इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं कि क्रिकेट भारत को एक सूत्र में पिरोता है और अब वे भारत के इसी सूत्र को पुरजोर रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी धोनी का उदाहरण पेश करते हुए वे भारतीय क्रिकेट में सेना के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाते हैं, तो कभी विराट को मोदी समर्थक बताते हैं, कभी वो शमी को भारतीय कट्टरता से प्रताड़ित बताते हैं, तो कभी बीसीसीआई को संघी दिखाते हैं। इन सबसे ऊपर ये बात है कि उनके अथक प्रयासों के बावजूद भारतीय क्रिकेट संगठनात्मक रूप से नित नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है और उसके ऊपर से आईपीएल के वर्चस्व ने पूरे विश्व क्रिकेट को अपने कब्जे में ले लिया है और वही विजडन गुमनामी के हाशिए पर जा रहा है, जहां से उसका लौट पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है।